दोस्तों, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की बात की जाए तो हम लोग अपने आजीवन में ये जरूर सोच के रखते हैं कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, या फिर कई कई लोग ये बहुत दिनों से सोच के रखते हैं कि हमें एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेना है। लेकिन आप अगर इन चीज़ों में बहुत ही वीक हैं और आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप लेने के लिए जा रहे हैं और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि क्या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, कितना रैम होना चाहिए, SSD अच्छा होता है या HDD अच्छा होता है, तो आज के इस वीडियो में मेरे पास लेनोवो का आइडियापैड स्लिम 3 का 10th जनरेशन कोर i3 का लैपटॉप है। इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों देखेंगे और साथ ही साथ इस लैपटॉप की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर इस लैपटॉप की डिज़ाइन की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत ऐसे इसका डिज़ाइन है। यहाँ पर फ्रंट के साइड में आपको लेनोवो का वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा आपको, और काफ़ी स्मूथ है, इसको देखने में बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा है। ग्रे कलर में काफ़ी खिल रहा है। और वहीं अगर इस लैपटॉप के प्रोसेसर की बात की जाए तो इंटेल का कोर i3 का 10th जनरेशन का लैपटॉप है ये, और इसमें काफ़ी ईजिली से आप फोटोशॉप वगैरह, एडिटिंग वीडियो वगैरह, प्रीमियर प्रो या फिर फिल्मोरा बहुत ही स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। इस लैपटॉप में आपको रैम 8GB तक इनबिल्ट मिल जाता है, और आप इसमें एक्सटेंड करना चाहेंगे तो आप 32GB तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस लैपटॉप में अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात की जाए तो इसमें कोई ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, एक तरह से बहुत ही सिंपल लैपटॉप है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको स्टडी के लिए इजीली यूज़ में ले सकते हैं। और वहीं अगर इस लैपटॉप की वेट की बात की जाए तो 1.5 kg इसका वेट है, जो कि हम लोग सिंपल भाषा में बोला जाए तो 1.5 kg इसका वेट है। अगर इस लैपटॉप का स्टोरेज की बात की जाए तो 256GB का SSD लगा हुआ है, जो कि काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट कर देता है आपके काम को। आप बोलेंगे कि भैया इसी रेट में हमें HDD मिल रहा है तो हम HDD के साथ 1TB के साथ क्यों ना जाते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HDD बहुत ही स्लो होता है, और उसके मुकाबले में जो हमारा HDD होता है वो काफ़ी 10 गुनी फास्ट होती है। तो आप अगर काम को स्मूथ और काफ़ी फास्ट बनाना चाहते हैं तो मेरा तो यही राय रहेगा कि आप HDD के साथ जाएं। अगर यहाँ पर इस लैपटॉप की पोर्ट्स की बात की जाए तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर चार्जर लगाने को मिल जाता है, वहीं बगल में आपको HDMI कोड लगाने को मिल जाता है और 3 USB केबल, और वहीं पर राइट साइड में बात की जाए तो आपको एक SD कार्ड लगाने को मिल जाता है और एक आपको यहाँ पर हेडफोन का 3.5mm का जैक लगाने को मिल जाता है। वहीं इसकी स्क्रीन की बात की जाए तो इसकी स्क्रीन 15.6 इंच की दिया हुआ है, और कीबोर्ड भी जो है सो कीबोर्ड हमारा बहुत ही नॉर्मल कीबोर्ड है, कोई लाइटिंग कीबोर्ड नहीं है। वहीं अगर ट्रैक पैड की बात की जाए तो ट्रैक पैड बहुत ही अच्छे से स्मूथ दिया हुआ है, यहाँ पर चारों ओर कर्व अच्छे से निकला हुआ है ताकि आप इसे बहुत ही अच्छे से यूज कर सकेंगे। और दोस्तों, अगर वहीं पर इस लैपटॉप की आप वेबकैम की बात करें तो आपको यहाँ पर एक वेबकैम मिल जाएगा, जो कि आप जूम वगैरह में मीटिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हो, और चाहे तो आप इस कैमरे को यहाँ पर लॉक भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे। अगर आप मैं इधर से इसको स्लाइड करूंगा तो यहाँ पर एक रेड की पॉइंट बन जाती है, तो समझ जाइए कि आपका अब ये लैपटॉप का जो कैमरा है वो लॉक हो गया। अब इसको हटा देने से फिर से ये वो हट जाएगा तो आपका कैमरा ऑन हो गया। तो दोस्तों, इस लैपटॉप की ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी की बात की जाए तो चलिए मैं आपके सामने इसको चेक करता हूँ। और इसमें ऑडियो के लिए डॉल्बी इन्वॉल्व है, तो ऑडियो काफ़ी बेहतरीन निकालेगा डॉल्बी से। तो चलिए इसके सामने मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, और इसमें 4K वीडियो में प्ले करके आपको एक दिखाता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।